अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है, मान लेते हैं ये स्फेरिकल सेल है और इसकी रेडियस है ए, रेडियस ए दे रखी है, इसकी मास है एम, ठीक है, हॉलो स्फेयर है, स्फेरिकल सेल का मतलब क्या, हॉलो स्फेयर, और इसके सेंटर पे भी एक कैपिटल एम मास का पार्टिकल रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ए बाई टू डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू मास कैपिटल एम एट सेंटर, ठीक है। तो स्फीयर के कारण अंदर पे किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के बराबर होता है, मतलब स्फीयर के कारण माइनस जी एम बाई ए होगा, ठीक है, और मास के कारण, ये ए बाई टू दूरी पे है तो उसके कारण जो पोटेंशियल होगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई ए बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर देना है बस, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री बाई थ्री जी एम बाई ए। देखो ये टू ऊपर जाएगा तो माइनस टू जी एम बाई ए, और माइनस जी एम बाई ए, ये माइनस थ्री जी एम बाई ए हो गया, मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा।